सामाजिक संस्था सरता जन सेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव ने मारुति उद्योग महेंद्रगढ़ में स्थापित करवाने के लिए चलाई हुई मुहिम के तहत गांव पुचोली में जाकर युवाओं और बुजुर्गों का समर्थन लिया और गांव के युवा साथियों और बुजुर्गों से मुख्यमंत्री के नाम पत्र हस्ताक्षर करवाए। कुलदीप यादव ने कहा कि हम सब मिलकर मारुति प्लांट को महेंद्रगढ़ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अगर मारुति कंपनी का प्लांट महेंद्रगढ़ में आ जाता है तो यहाँ फिर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम सरकार को ये मांग मनाने पर मजबूर करेंगे। कुलदीप यादव ने युवाओं से निवेदन किया कि वो इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इसके साथ उन्होंने बताया अगर मारुति उद्योग महेंद्रगढ़ में आता है तो महेंद्रगढ़ का नाम राष्ट्रीय पटल पर होगा तथा महेंद्रगढ़ का विकास होगा और अस्तित्व बना रहेगा। एक बड़े उद्योग के साथ छोटे उद्योग आने से रोजगार व विकास के नए आयाम खुलेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हमारे बुजुर्ग, वैसे तो बुजुर्ग न ये कहते हैं कि मैं अभी युवा हूँ, हमारे संघर्ष में साथी रहे राजवीर जी, पूर्व सरपंच अमर सिंह लमड़दार जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम मेरे बुजुर्गों और युवा साथियों। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पहुँचने पर जो पगड़ी पहराकर जो मान सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक आश्वासन आप लोगों को मैं देता हूँ कि आपने जो मान सम्मान दिया है इसको मैं कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा और इस मान सम्मान का सदा मैं आदर रखूंगा। हाँ जी, जैसे बताइए, जैसे आपने आप बुचोली गांव में जनसंपर्क जो अभियान चलाया है, ये क्या है विशेष इसके बारे में? जैसे हमने जो एक मुख्यमंत्री के नाम पर प्रपोजल छपा रखा है 1000 की संख्या में, जैसे हमारी मुहिम चली है कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले से हमारे क्षेत्र के लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से हमें 1000 की संख्या में मुख्यमंत्री के नाम ये मांग पत्र भेजना है कि जो मारुति का जो गुड़गांव प्लांट है उसको दूसरी जगह हरियाणा में जगह देनी है। तो हम सरकार से और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारे जिले में इसको स्थापित किया जाए ताकि हमारे जिले में एक औद्योगिक के नए आयाम हो और जिले में जो बेरोजगारी की समस्या वो भी खत्म हो और महेंद्रगढ़ के युवाओं को एक रोजगार के नए आयाम स्थापित हो सके। उसी मुहिम के तहत आज बुचोली गांव में आना हुआ है। यहाँ के लोग इस मुहिम में पूरे जोर हमें समर्थन मिला है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों ने हमें इस मुहिम में समर्थन दिया है। सभी ग्रामवासियों को मैं इस मुहिम में जोड़ने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। अभी तक जैसे कितने गाँव में जैसे जा चुके हैं और आगे का क्या आपका? हम महेंद्रगढ़ जिले के हर गांव में जाएंगे जी। हमने 18 से 20 गांव लगभग कवर कर लिए हैं क्योंकि पांचवा छठा दिन ही आज हमारा इस मुहिम का है और हर गांव से हमें पूरा जोर समर्थन मिल रहा है। इस मुहिम में हर युवा और बुजुर्ग इस बात पे सहमत है कि भी महेंद्रगढ़ जिले में ये काम होना चाहिए और सभी का पूरा समर्थन मिल रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेर सिंह है। सर, जैसे कि ये मुहिम चलाई जा रही है, आपको कितना सही लग रहा है कि ये मुहिम जैसे ये बहुत बढ़िया मुहिम है जो कि गांव के बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं और हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, ताकि कुछ तो सहयोग हो। हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और इस मुहिम को हम बड़े स्वागत से, तौर से, ईमानदारी से, सच्ची भावना से बहुत साथ देने के लिए तैयार हैं।